यह है पोगेट्री, जहां पर राज है स्कॉर्पियो का, जिससे देवता भी घबराते हैं और इसके इलाके में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आका आइए, आका पधारिए, आका आपके दर्शन दीजिए मुझे। बोलो शिष्य, क्यों बुला रहे थे हमें? अरे आका, मुझे माफ कर दीजिए, आपने जो कोबरा को मारने का काम दिया था वो मुझसे नहीं हो पाया। एक काम भी तुमसे ढंग से नहीं होता, तुम्हें तो मरना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। अरे नहीं आका, ऐसा मत कहिए, मैंने बरसों तक आपकी सेवा की है। सेवा की है तो मरने के लिए तैयार है तुम्हें? बचाओ मुझे कोई। किसने बुलाया है मुझे? कौन है जो मदद की गुहार लगा रहा है? अरे बचाओ मुझे, बचाओ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, डरो मत। कोबरे, आखिरकार तू मरने मेरे हाथों यही आ गया। मेरे इलाके में तुझे पता नहीं, स्कॉर्पियो का इलाका है और यहाँ जो आता है वो मर के जाता है। ब्रमूडा में तेरा राज होगा, लेकिन ये स्कॉर्पियो की प्रोगेट्री है और यहाँ के राजा हम हैं हम। तुझे क्या लगा ये तेरा इलाका है? नहीं बे नहीं, जहाँ हम कदम रख देते हैं ना, वहीं से हमारी सीमाएं स्टार्ट होती है। और अब तूने यहाँ जितना आतंक मचाना था मचा लिया, अब तेरी बारी आ चुकी है जब तू मेरे हाथों से मरेगा। आखिरी लम्हों में जितना हंसना है हंस ले, अब देख मेरी शक्तियाँ हैं। भाग गया ना साला हमारे डर से, लेकिन कब तक बचेगा हमारे हाथों से? और तुम डरो मत, तुम अब बिल्कुल सुरक्षित हो, घबराने की कोई बात नहीं। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया कोबरा, अगर तुम नहीं आते तो ये मुझे मार देता। डरो मत, अब आगे हम देखते हैं कि कब तक ये यहाँ राज करता है। पहले शहर में हमारा ही राज हुआ करता था, लेकिन उस के आने के बाद यहाँ हमारा राज तो कहाँ रहना। हम यहाँ धंधा भी नहीं कर पा रहे हैं अब अपना, इसलिए बाहर से बंदा बुलाया है जो हम मेरे माल को लेकर जाएगा, नहीं तो यहाँ तो धंधा कर पाना बहुत मुश्किल है। अरे माल लाए हो क्या? हाँ लाया हूँ। और तुम पैसे लाए हो ना? हाँ हाँ, भर भर के पैसे लाए हो, बस तुम माल की कमी ना होने देना और हम पैसों की बरसात कर देंगे तुम पर। माल की कमी यहाँ नहीं है, यहाँ किरदार की कमी है। वो कैसे? यहाँ तो इतना बड़ा शहर है, फिर किरदारों की कमी कैसे होने लगी? तुम्हें नहीं पता क्या, यहाँ पर पहले हमारा ही राज हुआ करता था। हम जैसे शैतान यहाँ राज किया करते थे, हम अपनी मर्जी से तबाही किया करते थे, जिसकी भी गाड़ी चाहे उसकी जला देते थे। लेकिन फिर देवताओं ने हमारे खिलाफ साजिश रची और देवता ने अपनी शक्ति से एक नए सुपर हीरो की रचना की, जो कि है कोबरा। बोलो मेरे पुत्र, क्यों बुला रहे थे अपने नागराज को? आखिरकार क्या समस्या आई है? हे नागराज, आपको पता नहीं है धरती लोक पर बहुत तबाही हो रही है, फ्री फायर ध्वस्त हो गया है। मुझे सब कुछ पता है मेरे पुत्र, लेकिन अब उचित समय आ गया है। मैंने अपनी शक्तियाँ भेज दी है, ये शक्तियाँ समय अपने हकदार को चुन लेगी और एक आम इंसान को बना देगी सुपर हीरो। धन्य है नागराज, आप धन्य है। ये सब कुछ प्रभु की लीला है पुत्र, प्रभु की। हर हर महादेव, शिव शंभो। अरे बेटे राहुल, बेटे राहुल कहाँ पर हो बेटे? अरे बेटे, अरे देखो सोया हुआ है मेरा लाडला। अरे बेटो उठो, उठो बेटे, जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे बेटे, हैप्पी बर्थडे। अरे अरे शुक्रिया पापा, शुक्रिया, आपको मेरा जन्मदिन याद था क्या? हाँ बेटे, मुझे तो याद ही होगा ना। अरे चलो मेरे साथ आओ, एक गिफ्ट देनी है तुम्हें, जल्दी आओ। अरे पापा जा कह रहे हो, लेकिन गिफ्ट तो आप लाओगे ना, फिर कहाँ जा रहे हो? अरे बेटे देख, देख रहे हो? अरे वाओ पापा, नई कार। मैं तो आपसे बस यूं ही कह रहा था कि पापा मुझे एक स्पोर्ट्स कार चाहिए, और आपने आपने तो सच में दिला दी पापा मुझे। हाँ बेटे, इकलौता लड़का है तू मेरा, तेरे लिए नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा? तेरी माँ होती तो आज कितना खुश होती। अरे शुक्रिया पापा, शुक्रिया आपका, आप सबसे अच्छे पापा हो इस दुनिया के।
हाँ बेटा जा टेस्ट ड्राइव लेकर। अरे हाँ पापा ठीक है, मैं इसे चला कर आता हूँ, आप मेरा यहीं इंतजार कीजिए ठीक है ना। हाँ बेटा लेकिन ध्यान से चलाना, मुझे डर ही लगता है। तुम्हें दे तो दी है मैंने स्पोर्ट्स कार, लेकिन डर बहुत लगता है बेटे। अरे पापा डरिए मत, फिक्र मत कीजिए, वैसे भी आप इतने बड़े भक्त जो हो भगवान के, मुझे क्या होने लगा फिर। वो तो है। ठीक है पापा चलता हूँ मैं। ध्यान से। अरे यार वाह न्यू कार कैसी भागती है यार, एकदम से शानदार कार है एकदम से। अरे ये इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। अरे मेरे बेटे को होश कब आएगा, भगवान महादेव मेरे बेटे को होश दिला दो, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। हाँ, अरे पापा मेरे साथ क्या हुआ था पापा? अरे बेटा शांति रखो। लेकिन मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था ना। हाँ पुत्र, ये तो भगवान का शुक्र है तुम बच गए बेटे। अरे चिंता मत करो बेटे, तुम खाना खा लो। अरे नहीं पापा नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आया, आप खा लीजिए, तब तक मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा हवा खाकर। अरे बेटे कहाँ जा रहे हो, चलो जाओ तुम, कहीं अपने दोस्त रोकी के पास तो नहीं जा रहे हो? अरे हाँ पापा वहीं जा रहा हूँ, उसको कुछ बताना भी है, जल्दी चलता हूँ यार। लेकिन मुझे चोट क्यों नहीं लगी, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा तो भयानक एक्सीडेंट हुआ था, फिर मैं बच कैसे गया। चलो यार रोकी के पास चलता हूँ, अपने दोस्त के पास, उसको ही मालूम होगा इन सब के बारे में, आखिरकार मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या है, अचानक मेरा एक्सीडेंट हो गया था और फिर मैं जब घर पहुँचा तो मैं एकदम से ठीक था, ऐसा नहीं हो सकता, ज़रूर मेरे ना मेरे साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। अरे ये गाड़ी कैसे, अरे नहीं ये तो फटने वाली है। अरे अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरा गेटअप कैसे चेंज हो गया, मुझे अपने अंदर इतनी शक्तियाँ महसूस कैसे हो रही है, आखिरकार क्या हुआ है मेरे साथ, क्या हुआ है मेरे साथ, क्या हुआ है? मुझे लगता है कि देवताओं ने मेरी टक्कर का कोई शूरवीर भेज दिया है इस फ्री फायर में, लेकिन उन्हें पता नहीं है जब तक हम यहाँ हैं तो अंधेरा कायम ही रहेगा, आने दो क्योंकि गेम तो अभी शुरू हुई है। तो ऐसे हुआ था, और तुम ध्यान से जाना क्योंकि ये कोबरा का इलाका है और इस इलाके में हम ड्रग डीलिंग कर नहीं सकते हैं, ये तो मैं तुम्हें बेच रहा हूँ क्योंकि तुम कलहारी में रहते हो ना, इसलिए समझ रहे हो क्या? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है जो तुमने मुझे टाइम रहते बता दिया कोबरा के बारे में कि आखिरकार वो है कौन, और उससे पंगा लेना हमें कितना महंगा पड़ सकता था, लेकिन तुम फिक्र मत करो मैं जा रहा हूँ अब। ध्यान से जाना वे, कोबरा कहीं भी किसी वक्त मिल सकता है, अब भगवान तू ही करना इसकी रक्षा क्योंकि कोबरा यहाँ का राजा है कोबरा। अरे चाहे कब तक आएगी, कितनी देर लगाओगे? और तो यहाँ पर हो तुम, तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा मैंने, पहचाना तुमने? अरे हाँ कोबरा तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुमने ही तो मेरी जान बचाई थी ना। हाँ मैंने तुमने तुम्हारी जान बचाई थी, मैं जानता था कि तुम उसके आदमी हो, फिर भी मैंने तुम्हारी जान बचाई, अब समय आ गया है जब तुम अपने जान के बदले मुझे ये बताओ कि वो कहाँ मिलेगा मुझे स्कॉर्पियो। अरे वो तो पास की पहाड़ी में ही मिलेगा तुम्हें। ठीक है फिर अब उसे मैं देखता हूँ। अरे भगवान मुझे बचाना। अबे चिमगाटर की औलाद कहाँ छिप कर बैठा है, देख कोबरा है यानी कि तेरा बाप, तू मुझसे अब ज्यादा देर नहीं छिपकाएगा, इसलिए माँ का दूध पिया है तो सामने आ, सामने आ बे। हमें क्यों बुला रहा है अपनी मौत को, बोल क्या काम है मुझसे? अबे तुमसे यहाँ काम नहीं बल्कि तुझे मैं मारने आया हूँ मारने। मुझे मारेगा? अबे तूने मेरे से ये पुर्गेटरी छीना मेरा, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन तू आज मेरे ही अड्डे पर आकर मुझसे होशियारी दिखाएगा फिर से, तेरे चक्कर में मैंने बड़ा पुराना अड्डा छोड़ दिया, लेकिन अब तुझे मारना ही पड़ेगा, नहीं तो तू मुझे नहीं छोड़ेगा। हा 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 हा
पहली बार देख रहा हूँ किसी आदमी को जो कि दिन में ही सपने देख रहा है, लेकिन तेरा ये सपना भी मैं चकनाचूर कर दूंगा। अब तैयार हो जा मेरे हाथों से मरने के लिए। हमें मारेगा, देखो अबे हमसे शारी, अभी तुझे अपनी पावर दिखाता हूँ। पिछली बार तो बच गया था, इस बार देख मेरी पावर। ये ले बे। मर गया ना साला, बड़ा आया था हमसे पंगा लेने वाला। इसे पता नहीं कि हम यूं ही यहाँ के सुपर हीरो नहीं कहलाते, पहले बुढ़मुड़ा पर और फिर अब इस पोगेट्री पर भी हम ही राज करेंगे। जब तक हम है ना, हमारे रहते हैं इन दोनों इलाकों में कोई आतंक नहीं मचा सकता, क्योंकि हम हैं यहाँ के रक्षक किंग कोबरा।